मॉर्निंग एवरी वन एंड वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। अभी कलवा के यहाँ पे पहुँच गया हूँ, लगभग 9:30 बज चुके हैं। मैं उठा ही नहीं और जब तक नींद खुला, भूषण भाई साहब अपने घर पे आ गए थे, उनका दरवाज़ा उन्होंने ठोका, तब मेरा जाके नींद खुला है। रात को सोने के लिए 2:30 बज गए थे लगभग, थोड़ा तबीयत थोड़ा ख़राब था तो लेट हो गया सोने के लिए। अभी 2-3 दिन से ब्लॉग नहीं आ रहा था, उसके पीछे का रीज़न बस इतना ही था कि अपना मोबाइल जो है वो ख़राब हो गया। उसको रिपेयरिंग में दिया था, रिपेयर भी हो नहीं पाया, तो अभी एक बड़ा खड्डा गिर चुका है हमारी लाइफ में और बहुत बड़ा खर्चा होने ही वाला है। अभी फ़िलहाल तो मैं ये मेघना का पुराना वाला रियलमी का फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ। अच्छा है फ़ोन, मतलब थोड़ा हैंग होके चलता है बट काम निकल जाता है इस पर। अभी दो फ़ोन यूज़ करना पड़ेगा, इसका हॉटस्पॉट लेके ब्लूटूथ टेंडरिंग करके उससे नेट चला रहा हूँ दूसरे वाले फ़ोन पे, क्योंकि उसका सिम कार्ड डिटेक्शन नहीं हो रहा है। बस उसका वाईफाई चल रहा था, वो भी अभी बंद हो गया, पता नहीं क्यों। जिसके पास रिपेयरिंग को दिया था उसने क्या किया नहीं किया उसको ही पता, बात करता हूँ एक बार उससे, अगर हो गया तो ठीक है। और वैसे ब्लूटूथ से भी काम चल रहा है बट ब्लूटूथ कैसा हो जाता है कि अगर मुझे ये फ़ोन का ब्लूटूथ अगर कार से कनेक्ट करना है तो फिर वो दिक्कत वाला मामला आ जाता है। अभी आज स्लैब कास्टिंग है और स्लैब कास्टिंग के लिए मैं सुबह 8 बजे निकलने वाला था, फिर रात को भी 10 बज गया था, लगभग 10 बज गया था मुझे साइट पर ही। तो महंगा तो है नहीं तो घर पर जाके भी कोई मतलब रहता नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा लेट नाइट करके ही काम कर रहा हूँ। अभी जितना हो सके उतना काम खींच लो, टेंशन नहीं रहता है, टारगेट डेट अचीव हो जाती है उसके लिए कोशिश कर रहा हूँ। आज अगर हो जाता है तो भगवान की कृपा, मतलब वो मार्केटिंग वाले बंदे रहते हैं ना जिनके ऊपर टारगेट का प्रेशर रहता है, उनको भी प्रेशर कम रहता होगा, पता है इतना प्रेशर रहता है ना सब पे भयंकर वाला कि बिल्कुल इच्छा ही नहीं होती किसी चीज़ की, वो तो ज़बरदस्ती करते हैं हम लोग, इसलिए चल रहा है। जस्ट अभी हम लोग घर पे पहुंच रहे हैं, अभी बज रहे लगभग 7:45। घर पे कोई है नहीं, मेघना भी नहीं है, तो टंकी में पानी भी नहीं था तो भरने के लिए जल्दी आना पड़ा। अरे भूल जाता हूँ यार, क्या करेगा। अभी रात को कल मैं 11:30 बजे घर पे आया, कपड़े वगैरह धोने के बाकी थे तो मैंने वॉशिंग मशीन लगा दिया तो बहुत सारा पानी वेस्टेज हो गया उसके अंदर, चलेगा अभी क्या करेगा। मार्केट लगा हुआ है आज। और भूषण भाई क्या खिला रहा है आज? हम तो घर पे जाएंगे भाई, हमारा फास्ट है। फास्ट है? ऐसा कैसा फास्ट है? कुछ भी बातें करते तो फास्ट विस्ट ऐसा चीज कोई होता नहीं है क्या? खा पी के सुखी रहने का, फास्ट विस्ट करते डायरेक्ट बेबी तो मिलना चाहिए। समझ रहे हो ना, इसके लिए फास्ट पकड़ना होगा। अरे तेरी जाओ भाई यार, जाने तो दो गरीब आदमी को। अरे रुको भाई रुको, तुला दवा करना जाए थे ना, दव थोड़ा वेत तुला जाणार नाही आहे। नाही रे जावत लागेल, जाणार नाही असं तुम्ही बोलून चालेल बाबा। अरे यार इथं काय गाड्या लावून देतो चालू आहे पुढे लावणार दादा, पुढे लावणार जागा नाही होणार पुढे रे। अरे हा येणार आहे, रिक्षा लावून दिली बघते नाही आता। पार्किंग इतना मगजमारी वाला काम है ना यहाँ पे, मुझे दो कांच लाऊं दी शिवो साइड में रखता, फुटपाथ पे रखता है गाड़ी तो थोड़ा सा तो प्रॉब्लम आता ही आता है। तो अभी तो गाड़ी लगा दिया, अभी चलते हैं घर पे। दो फोन यूज करना पड़ रहा है। घर पे अभी अकेले बैठे हुए तो ऑब्वियसली दिमाग ख़राब हो जाता है। अभी बज रहे लगभग 7:15, पानी लगा दिया मैंने, पानी वगैरह टंकी भरने के लिए। थोड़ा अभी नहाते धोते फ्रेश होते, मोबाइल वगैरह भी चार्जिंग पे लगा दिया, थोड़ा सा फ्रेश हो जाता हूँ। साला चोट भी लग गया पैर में, टीटी का इंजेक्शन लगवाना ही पड़ेगा, खिला घुस गया था शूज़ के अंदर में, उसकी वजह से हल्का सा चोट लग गया है यहाँ पर, ज़्यादा नहीं, उनको दिख रहा होगा कि नहीं पता नहीं मुझे, उनका सा चोट लग गया है यहाँ पे। कैमरा भी इतना ख़राब हो जाता है ना भयंकर वाला, देखते हैं अभी
क्या होता है, पैर दुखने लग जाते हैं भाई साहब, भयंकर वाले पैर दुखने लग जाते हैं। लिटरली मतलब ऐसा फील होता है ना कि अरे ये कुछ खाना बीना भी नहीं बना रहे, तो देखो किचन मस्त साफ सफाई करके रखा हुआ है पूरा का पूरा, खाली वो चाय का बर्तन वगैरह रह गया आज, क्योंकि पानी ही नहीं था घर में, तो साफ सफाई करने वाली भाई को भी आज बुलाया नहीं, पानी नहीं रहेगा तो वो क्या करेगी बेचारे उसके चक्करों में। चलो फ्रेश होता हूँ फिर मिलता हूँ। जस्ट अभी खाना खाने के लिए आया था मैं, खाना खाने के लिए एक्चुअली बाहर आने का मूड नहीं था बिल्कुल भी, बट ये इंसान आ गया घर पे और मूड की माँ बहन कर दी पूरी, और तेरी मोबाइल भी गिर जाता अभी, तो उसके चक्कर में हम लोग आ गए अभी खाना खाने के लिए होटल शंघाई में। चाइनीज़ का काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट है ऐरोली, ऐरोली में सेक्टर, मुझे पता नहीं सेक्टर 19 में है एड्रेस, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो अल्टीमेट फूड है, तो हमने स्टार्टर से अभी शुरुआत की, पहले तो टाइम पास से शुरुआत की भाई, इंडियन आदमी है तो स्टार्टर से ही शुरुआत करेंगे क्या हितेश भाई, सही बात है। मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल टाइम पास मैंडेटरी है, टाइम पास एकदम मैंडेटरी है। चाइनीज खाने आए तो टाइम पास चाहिए ही चाहिए, उसके बिना तो खाना हजम ही नहीं होता है, तो इसके लिए हम लोगों ने अभी पनीर तिरिया के ऑर्डर किया है। टेस्ट कैसा है, टेस्ट करके बता दें। मसाला ट्राई करते हैं, अल्टीमेट एक्चुअली टेस्ट काफ़ी अच्छा है यार, ये देख लो कलर भी काफ़ी उठ के आ रहा है एकदम पनीर का मसाले के साथ, मस्त इसको हल्का सा कट किया, स्वीट एंड स्पाइसी है, स्वीट एंड स्पाइसी परफेक्ट टेस्ट एकदम। और ये एक्चुअली चाइनीज टेस्ट अच्छी है साला भाई, वो रोड साइड वाला नहीं है बिल्कुल भी, हाँ डोंट वरी मैं उसके बारे में कोट नहीं कर रहा हूँ कि रोड साइड वाला खराब होता है, मतलब मेरा आवाज़ तो फुल डॉल्बी साउंड में गुज रही है, यहाँ पे फुल थिएटर वाला फील आ रहा है भाई। सही है भाई, चलो एंजॉय करते हैं, मेन फूड आएगा वो भी दिखाऊंगा, डोंट वरी। हमने जो ऑर्डर किया है, क्या ऑर्डर किया वो हितेश को पता है, हितेश का चॉइस है, मेरा चॉइस नहीं है, वैसे भी फूड के बारे में मेरा चॉइस बहुत घटिया होता है, क्योंकि मैं ऑर्डर नहीं करता हूँ। फाइनली भैया जी खाना हो गया हम दोनों का मस्त, अभी यहाँ पे बैठ के बिल के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि खाने के लिए तो इंतज़ार करना पड़ता है, तो बिल के लिए भी थोड़ा बहुत इंतज़ार करना ही पड़ेगा, इंतज़ार करवा ही गया। हाँ अपने बाप का होटल है, चार बार बोल रहे हैं पढ़ने लिखने वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए, अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। तो अभी जा रहे हैं घर पे, खाना वगैरह तो हो गया, अभी घर पे जाएंगे मस्त बातें शादी करेंगे और फिर गो टू स्लीप। तो चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में, कल के ब्लॉग में, कल संडे है तो कल भी ड्यूटी पे जाना ही है भाई साहब, स्लैब चल रहे हैं, माई वन चल रहा है, और यही वो क्वालिटी इंजीनियर है जिसने मुझे सबसे ज़्यादा परेशान किया। पेंटिंग कोणाला वाटलं सुद्धा नव्हतं माहिती, घामली एवढी चांगली मैत्री होईल म्हणून विचार पण केला नव्हता आईच्या गावात। जब मैंने इसको पहली बार देखा था ना, मेरे को लोग अरे कुछ भी बड़ा साफ दिख रहा है, मत गॉगल विगल लगा के एकदम चकाचक फॉर्मल विरोल चलने का स्टाइल भी बोला, एकदम बड़ा आदमी दिख रहा है भाई, बोलना रहने दो जाने दो, अपन इज्जत से बात करते हैं, इसको साले को मैं सरसर करता था उस टाइम। सर जास्त केले रे, चलता है साले तेरी जॉइनिंग की पार्टी छोड़। अरे सौरभ ये ब्लॉग देखेगा ना, सौरभ पहले दोनों को पेलेगा पता है क्या, अकेले अकेले पार्टी करके आगे करके। तो चलो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, ये ब्लॉग अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, अपने फैमिली मेंबर्स के भी साथ शेयर करो और एंजॉय करो, चलो मिलते हैं। Close till I get up, time is barely on our side, I don't wanna waste what's left, the storms we chase are leading up.